उज्जवल मैंने सारे हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर के सारे फैक्ट्स याद कर लिए, अब तू देख मेरा एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई तुम्हें क्या लगता है बस रट के सारे एग्जाम्स क्लियर कर लोगे क्या? भाई कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम्स नहीं क्लियर होंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम यूपीएससी के पिछले क्वेश्चंस देखोगे तो मैक्सिमम फैक्ट्स के ऊपर होते हैं, मैंने इसलिए सारे याद कर लिए, मैं तुम्हें बोलूंगा तुम भी याद कर लो। नहीं होता भाई, सिर्फ रट लेने से नहीं होता, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो तुम्हारे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इज द की, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्स याद कर लो, नहीं होगा तुम्हारा। कॉन्सेप्ट इज द की भाई, कॉन्सेप्ट इज द की, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फैक्ट है। लेकिन जब तक इसके पीछे की स्टोरी पता नहीं होगी कि पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस से हुआ या पॉलिटिकल कॉजेस से हुआ, तब तक तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा? प्रतीक सर आप बताइए। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने, यूपीएससी में फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों का बैलेंस बना के चलना है, चाहे हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो। और इसी प्रकार की जो कन्फ्यूजन आपको फेस होती है उससे दूर करने के लिए आज शाम 7 बजे हमारे साथ जरूर से जुड़िएगा। 7 बजे सर मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्यों क्या हो गया? सर ये ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आता और ये एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पूरा कंफ्यूज कर देता है, तो क्या करें? देखो मतलब ये समस्या सबकी है, मैं समझ रहा हूँ। सारे लर्नर क्लाइमेटोलॉजी को बहुत ज्यादा मतलब परेशान, पर उसका एक तरीका है, उसको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। रैंडम कोई टॉपिक मत उठाना, प्रॉपर स्ट्रक्चर से और प्रेशर बेल्ट, मतलब एक सीक्वेंस है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भी हमें पता नहीं होता कि चीजें कहाँ से शुरू हुई, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। बट उसका एक इलाज निकाला है, शाम को एक सेशन रखा है सभी एजुकेटर्स के साथ, उसको जरूर अटेंड करो, आप चीजें आपको बहुत कुछ सीखनी होगी। आप लोगों को भी सबको 7 बजे आज शाम को जरूर आना है, नो डाउट बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है इस यूपीएससी की जर्नी का। इकोनॉमिक टाइम्स एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स एंड साइंस और टेक के लिए कौन सा पेपर मैं प्रेफर करूं, और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डायनेमिक आते हैं, तो उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मन में नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के मन में है, क्योंकि जिस तरीके से डायनेमिक प्रश्न आ रहे हैं आज के समय में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और नॉन ट्रेडिशनल एरियाज को जो फोकस किया जा रहा है, तो इसमें एक बड़ा डिस्कशन भी जरूरी है। तो आज शाम को मिलते हैं 7 बजे, इस पर सारे जो आस्पेक्ट उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं 7 PM तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे।